हाय एवरीवन, मेरा नाम योगेश मिश्रा है और मैं ये कश्मीर फाइल्स मूवी, मेरे को लगता है कि ये फेक है। क्यों, इसका मैं रीज़न बताता हूँ। मेन चार रीज़न है। फर्स्ट, अनुपम खेर जो इस मूवी के मेन हीरो है। सेकंड, नो मीडिया अटेंशन, इस केस में कोई मीडिया अटेंशन नहीं था। थर्ड, जस्ट फॉर अर्निंग मनी ये पिक्चर बनाई गई है। फोर्थ, वीक लिंक्स। ये चार मेन रीज़न के कारण मेरे को ये फेक लगता है कि कश्मीर में कुछ ऐसा हुआ था या होएगा ऐसा। फर्स्ट इशू है जो अनुपम खेर, उनके पास इतना सोशल मीडिया फॉलोअर्स है, ये सब है, फिर भी उनने ये मूवी में मतलब बताया कि यार इतना जान डाल दी। वो चाह सकते थे तो अपने मूवी सोशल मीडिया अकाउंट में एक पोस्ट कर सकते थे कि यार ये देखो ये सब हुआ था, ये इतने साल से वो है, पर उन्होंने नहीं किया क्योंकि उनको ये पिक्चर बनानी थी, इतना वो करना था, इतना हंगामा, इतने सारे पैसे बच जाते थे हम लोग के, हम जितने गए यहाँ देखे। सेकेंड, और ये कश्मीर में ऐसा हुआ, इसमें कोई मीडिया अटेंशन नहीं थी, कोई आजकल के ज़माने में इतना सोशल मीडिया, पहले भी कोई किसी ने लिखा नहीं, कोई बुक में इसका वो नहीं है, कोई दिल्ली में नहीं चिल्ला रही कि यार ऐसा हो गया, कोई ऐसा कुछ वही नहीं है। कैसे मान ले कि कश्मीर में ये हुआ था हमारे उसके पूर्वजों ने, मे भी हो भी सकता है भाई। अब तो ऐसा तो है नहीं यार, कहाँ बॉम्ब फटा यहाँ पे पता ही नहीं चला, कोई किसी को कुछ कर रहा कुछ पता ही नहीं चला। जैसे रशिया में इतना सारा हुआ हमको पता चला ना यार, पर ऐसा तो नहीं। थर्ड, ये पिक्चर का मेन मकसद था खाली पैसा कमाना, ये भी हो सकता है, इसलिए तो ये सब कोई भी मुद्दा उठा के जेनोसाइड वो सब बोल सकते हैं। फोर्थ, वीक लिंक, जो मुस्लिम है ये तो हमारी वीक लिंक्स है, इसको कोई भी टारगेट कर सकता है कि यार मुसलमान है, इन लोग ने ऐसा किया ही होगा, हम ठहरे हिंदू, हम तो पता ही है कि यार मुसलमान ऐसा कर सकते हैं, टेररिज्म। बस यही मेरे को मुद्दे के कारण ये पिक्चर थोड़ा फेकनेस लगती है। आपको क्या लगती है, फेक है या रियल है, प्लीज़ बताइएगा कमेंट में। थैंक यू।